छोटा उदयपुर जिला में भारी बारिश के चलते 50 हेक्टेयर से भी अधिक की जमीन में खेती को नुकसान होने अंतर्गत दिल्ली से आई टीम द्वारा आज सर्वे किया गया। छोटा उदयपुर जिला में भारी बारिश के चलते 50 हेक्टेयर से भी अधिक की जमीन पर खेती बर्बाद हो चुकी है, जहां ये खेती नुकसानी अंतर्गत पशु सहायता तथा मखान सहायता को लागू सर्वे केंद्र की लैंड डेवलपमेंट टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसके भागरूप आज बोडेली नसवाड़ी तालुका के किसानों के खेत में ये टीम ने पैदल चलकर सर्वे करने के लिए निरीक्षण किया था, जो ये टीम दिल्ली जाकर सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद सरकार द्वारा सहायता घोषित की जाएगी, वैसी जानकारी दी गई है। सर्वे की टीम ने किसानों को सहायता मिले आशा जगाते हुए अब किसानों में भी अपनी खेती के नुकसान के सामने सहायता मिलेगी वैसी आस जगी है, जिस अंतर्गत स्थानिक विस्तार के किसान तथा दिल्ली से आई टीम के अधिकारी ने जानकारी दी थी। केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम गुजरात राज्य के दौरे पर है, जो कल शाम को सूरत में पहुंची थी। आज जो है दो टीम के रूप में, एक टीम जो है नवसारी जिले में भ्रमण के लिए गई है और दूसरी टीम जो है वो छोटा उदयपुर और नर्मदा जिले में भ्रमण पर है, जो अभी तक बोडेली ब्लॉक के अंदर जो है के गांव में जो है असेसमेंट कर रही है कि किस तरह का नुकसान हुआ है, घरों का किस तरह का नुकसान हुआ है, वो अभी ये टीम जो है उसका आकलन कर रही है, जो अभी हमारा जारी है। आगे नर्मदा जिले में अभी ये टीम जाएगी और उसके बाद में हमारी जो रिपोर्ट होगी वो सरकार को सौंपी जाएगी। दिल्ली खाते थी जे टीम आवी थी सर्वे माटे, तेमने बोडेली तालुको, नसवाड़ी तालुको एम अपना जिला ना बे तालुकानु सर्वे कर्यु छे। एमा ए सर्वे करीने रिपोर्ट जे ते कृषि विभाग ने जे ते लाइन डिपार्टमेंट ने आपसे अने एने द्वारा जे पण सहाय पैकेज जाहिर करवानो छे अथवा जे पण करशे ए सरकार उपरथी निर्णय लेशे। आजे नसवाड़ी तालुकाना जे अकोना गामनी मुलाकात लीधी छे अने एवी रीते बोडेली तालुकामां आपणे बे गामोनी पण मुलाकात लीधी छे अने जे नुकसानी छे ए खेतीनी छे, पशुपालननी छे, घर वखरी सामाननी छे, ए बधुं ज विगतो ए लोकोए नोंध करीने टीमे सर्वे करी एमनी रीते सर्वे करीने गया छे અને આગળની જે કાર્યવાહી જે ટીમ રિપોર્ટ આપશે એ પ્રમાણે કરવામાં આવશે। છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં હા અહીંયા અંદાજે આપના છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં 51,000 થી 52,000 હેક્ટર જેટલું નુકસાન ઓવરઓલ જિલ્લાનું અમારી વિગતમાં આવેલું।